चंद्र जांगिड़ है और मैं कोटा राजस्थान से का रहने वाला हूँ। और कोटा में मेरे क्या पिछले 10 साल से मेरे को प्रॉब्लम थी पेट में, काफ़ी दिक्कत रहती थी पेट में, खिंचाव रहता था, एसिडिटी रहती थी। तो वहाँ डॉक्टर खिलड़ी एडी खिलड़ी करके डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे एंडोस्कोपी के बाद हाइट सर्निया बताया था। तो उसके बाद मैंने जब अहमदाबाद का सुना डॉक्टर चिराग चक्कर सर का, तो फिर मैं यहाँ आया हूँ इनको दिखाने के लिए। तो कल मैं जब यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मुझे पीएच मैनोमीटर की सलाह दी है, जिसमें क्या होता है कि एक पाइप डाला जाता है नाक के द्वारा पेट के अंदर, और एक मशीन लगा दी जाती है। तो ये वैसे तो इस मैं पहले बहुत डर रहा था कि इसके बारे में कि कैसे अंदर जाएगी, कैसे क्या होगा, पर जब डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा कोऑपरेट किया तो उस हिसाब से फिर ये जब अंदर है तो 24 घंटे से मेरे अंदर ही पाइप डाला हुआ है। वैसे जब पाइप डाला गया था थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अटक रहा हो, पर फिर जब एक बार ये सेट हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 24 घंटे से ये पाइप मेरे साथ है, मशीन भी मेरे साथ है, और मैं चल फिर रहा हूँ आराम से, पैदल भी गया हूँ, खाना भी खाया है, पानी भी पिया है, गाड़ी में बैठ के घर गया भी हूँ मैं। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं मुझे, कोई नहीं। और ये साधारण सा टेस्ट है, वैसे इतनी डरने वाली कोई बात इसमें है नहीं। पहले तो मैं बहुत डर रहा था कि कैसे क्या होगा, पर ऐसा मुझे लगा नहीं। और ये मुझे 24 घंटे पूरे होने को आए हैं, कोई तकलीफ हुई नहीं, खाना भी खाया, पानी भी पिया, सब कुछ चाय वगैरह सब लिए। और चिराग ठाकर ने बहुत बहुत चिराग ठाकर सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है। मेरा नाम सुरेंद्र जांगड़े, मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मुझे 10 साल से लगभग हाइट सर्निया था, मतलब बहुत परेशान था मैं। तो डॉक्टर साहब चिराग ठक्कर जी सर हैं जिनके पास मैं अहमदाबाद दिखाने आया, तो यहाँ पर आके मेरी पीएचई स्टडी एक टेस्ट होता है जो नॉर्मल सा टेस्ट हुआ। उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि डॉक्टर साहब ने पहले तो दवाई से ठीक करने की कोशिश करी, तो लगभग 6 महीने तक मैंने दवाई खाई पर उस दवाई से मुझे कोई असर नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला भाई आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट किया, तो फिर मेरी 10 तारीख को सर्जरी हुई है। और सर्जरी में मुझे पहले तो बहुत डर लग रहा था क्या होने वाला है, पर सर्जरी में मुझे ये भी पता नहीं चला कि कब मेरी सर्जरी हो गई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन सर्जरी हुई उसी दिन मैंने चलना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन शाम को मैंने सुबह में मेरी सर्जरी हुई है 2 बजे, और 6 बजे के लगभग मैंने थोड़ा लिक्विड जूस लिया, पानी, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और दूसरे दिन से तो मैंने दाल चावल भी लिए, और खाना पीना मैंने अच्छे से स्टार्ट कर दिया, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और 2 दिन के बाद मुझे छुट्टी भी हो गई हॉस्पिटल से, और मैं 3रे दिन मेरे शहर कोटा के लिए रवाना भी हो गया, और लगभग मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सुरेंद्र जांगड़े, मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मुझे पिछले 5 साल से एसिडिटी की बहुत तकलीफ थी, बहुत जलन होती थी, तो मैंने वहाँ भी बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैं अहमदाबाद में डॉक्टर चिराग ठक्कर करके हैं सर हैं, तो उनको आके दिखाया मैंने, तो यहाँ एक जाँच हुई पहले तो मेरी 24 मैनोमेट्री, फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। तो लगभग मेरा ऑपरेशन हुए 3 महीने हो गए हैं, और अब मैं अच्छे से खा पी रहा हूँ, और ये है थोड़ी मात्रा में ले पा रहा हूँ। मतलब पहले मैं 4 रोटी खाता था, तो अब दो रोटी करके ऐसे खा लेता हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने में, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऑपरेशन हो चुका है मेरा, ठीक हूँ अभी। और मुझे हाइट सर्निया हुआ था जिसमें मेरी ऐसी हालत हो गई थी बिल्कुल मैं खाना नहीं खा पा रहा था। तो जिनको भी अगर ये प्रॉब्लम है डॉक्टर चिराग ठक्कर सर को दिखाएं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। मतलब अब ऑपरेशन कराने के बाद मैं एकदम ठीक हूँ, खुश हूँ।
Don't forget to subscribe our channel for more health related information.